चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे पहले न्यू एपिसोड यहां अपलोड होगा। राजेश्वरी ने सिद्धार्थ की मदद करने के लिए राजेंद्र से कहा। सब चीजों पर अच्छे से सोचने के बाद राजेंद्र ने सिद्धार्थ से उसकी मदद करने के लिए कहा तो सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया और उस पर विश्वास करने के लिए कहा। उसके बाद सिद्धार्थ को श्वेता ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया और उसे उस घर की चाबी वापस की जो सिद्धार्थ ने उसे गिफ्ट किया था और कहा कि उस घर को बेच दे ताकि कर्ज चुकाने में थोड़ा सपोर्ट हो सके। सिद्धार्थ इस बात से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था कि सभी लोगों को उसकी बहुत ज्यादा परवाह थी। सिद्धार्थ श्वेता को वापस हॉस्टल छोड़ने आ गया। श्वेता ने मुस्कुराते हुए देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, अब जाओ और जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर हॉस्टल से बाहर रहोगी तो तुम्हारी वार्डन तुम्हारी क्लास लगा देगी। इतना कहकर सिद्धार्थ हंसने लगा। श्वेता ने भी सिद्धार्थ को बाय कहा और वापस हॉस्टल आ गई। सिद्धार्थ भी वापस अपने हॉस्टल में चला गया। सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा ही था कि उसे बसंत और सुनीता का कॉल आ गया। बसंत ने कॉल उठाते ही सिद्धार्थ से पूछा, कैसे हो बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने टीवी में तुम्हारी कंपनी की न्यूज देखी थी, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने बसंत को दिलासा देते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, आप चिंता मत करो। तभी बसंत ने कहा, हम तो इस बारे में कुछ जानते समझते भी नहीं है बेटा, पता नहीं हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कोई जवाब दे पाता, सुनीता ने तुरंत ही बसंत से फोन छीन लिया और टेंशन से कहा, सिद्धार्थ बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुमने खाना खाया? देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, तुम सब कुछ कैसे संभालोगे? हम चाहे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम इतना समझ लेना कि हम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है आप दोनों हमेशा मेरे साथ हैं और आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इतना तो आप अपने बेटे पर विश्वास कर ही सकते हो। सिद्धार्थ का आश्वासन सुनकर बसंत और सुनीता दोनों को ही बहुत ज्यादा राहत मिली थी। वो लोग फाइनेंस के रूल्स को नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी और जिसकी वजह से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी पर 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का कर्जा हो गया था और इस बात की भी पूरी संभावना थी कि इस बड़े कर्जे की रकम की वजह से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी दिवालिया हो जाएगी, या ये भी हो सकता था कि इस वजह से सिद्धार्थ को जेल हो जाए क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा था। ये सिद्धार्थ की जिंदगी और उसके करियर का अंत हो सकता था। बसंत और सुनीता को ये नहीं पता था कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी कैसी थी, लेकिन वो ये जानते थे कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसकी वजह से दसियों अरबों का कर्जा बकाया हो गया था। इन लोगों के लिए इस रकम के फिगर को समझना किसी रॉकेट साइंस की कोडिंग से कम नहीं था। कुल मिलाकर इन्हें बस इतना समझ में आ रहा था कि इस सब की वजह से शायद सिद्धार्थ जेल जा सकता था। उन लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ जो इतना एनर्जेटिक और टैलेंटेड था, अचानक से इतनी बुरी तरह से कैसे गिर गया। कॉल पर हमेशा ये लोग इसी बात की परवाह करते थे कि सिद्धार्थ कैसा था, वो ठीक था या नहीं, उसने अपना कर्जा चुकाने के लिए ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को बेच दिया था या फिर वो क्या करने वाला था। बसंत और सुनीता दोनों ही लोअर मिडिल क्लास वाले साधारण लोग थे। उन्होंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा इतना अमीर और रेप्यूटेड हो जाएगा। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रकम क्या थी, कितनी थी और कैसे चुकानी थी। जब तक सिद्धार्थ सुरक्षित था, तब तक उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। फोन की दूसरी तरफ से बसंत और सुनीता की बहुत टेंशन भरी और दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ बेटा, अगर तुम्हें कंपनी बेचनी भी पड़े तो बेच दो, बस इतना ध्यान रखना कि तुम ठीक रहो, तुम्हें कोई टेंशन ना हो। अभी भी हम लोगों में इतनी ताकत तो है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से रख सकें। कभी भी तुम्हें ये लगे कि तुम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बेटा अपने मम्मी पापा के पास वापस आ जाना। हम उतना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे। बसंत और सुनीता की आवाज में सिद्धार्थ के लिए डर और चिंता साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ के दिल में थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने पिछले कुछ दिनों में बसंत और सुनीता से अच्छे से बात नहीं की थी। उसके बाद भी आज जब उन दोनों को ये सब पता चला तो वो लोग सिद्धार्थ को लेकर अभी भी बहुत चिंता में थे। ये बात सिद्धार्थ के मन में गिल्ट पैदा कर रही थी।
सिद्धार्थ ने बसंत और सुनीता को समझाते हुए कहा, आप दोनों मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ हो, पर मैं भी आप लोगों का ही बेटा हूं, कभी हार नहीं मानने वाला। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आप लोग भी यहां रहने आ जाना, हम सब साथ में ही रहेंगे। आप दोनों अपना ख्याल रखना, अब मैं फोन रखता हूं। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ अपनी खुशकिस्मती के बारे में ही सोच रहा था कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली है जिसे बस उसकी ही फिक्र थी। शाम को सिद्धार्थ जब अपने रूम में बैठा हुआ था तो देहरादून से जाह्नवी का कॉल आया। कॉल उठाते ही उसने पूछा, सिद्धार्थ तुम कहाँ हो? तुमने खाना खा लिया या नहीं? तुम अच्छे से रेस्ट कर रहे हो या नहीं? उसी वक्त सिद्धार्थ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बस बस, कितने सारे सवाल, तुमने तो फोन उठाते ही सवालों की बरसात कर दी। चिंता मत करो, मैं बस अपने रूम में ही हूँ और काम में थोड़ा बिजी हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ और अच्छे से रेस्ट भी कर रहा हूँ। दरअसल जब से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी की मुसीबतें बढ़नी शुरू हुई थी तब से सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। लेकिन जाह्नवी को शायद नहीं पता था कि सिद्धार्थ की कंपनी में प्रॉब्लम थी। सच बात तो ये थी कि जाह्नवी रोज गाने रिकॉर्ड करने, अपनी एक्टिंग में और अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारी और परफॉर्म करने की तैयारी में इतनी बिजी थी कि उसके पास बाकी चीजों पर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं बचता था। जाह्नवी बस उन्हीं चीजों पर ध्यान दे पाती थी जिसका उसके फील्ड से कोई लेना देना था। अच्छी बात तो ये थी कि जाह्नवी को सिद्धार्थ की कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था और उसका इस बारे में कुछ ना जानना ही अच्छा था। सिद्धार्थ और जाह्नवी ने कुछ देर बातें की और जाह्नवी ने कहा, अब मैं रखती हूँ, मुझे भी रिहर्सल करनी है, मैं जल्दी तुम्हें फिर से कॉल करती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहकर जाह्नवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सच बात तो ये थी कि सिद्धार्थ जाह्नवी के फोन रखने की वजह से थोड़ा निराश हो गया था। इस वक्त ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। ऐसे में एक अच्छे पार्टनर की तरह जाह्नवी का सपोर्ट सिद्धार्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन का काम कर सकता था। लेकिन इस वक्त जाह्नवी का करियर भी बढ़ रहा था। ऐसे में कोई भी बात जाह्नवी को टेंशन दे और उसे आगे बढ़ने से रोके, ये सिद्धार्थ नहीं चाहता था। इसीलिए सिद्धार्थ जाह्नवी को भी दोष नहीं दे सकता था कि उसने इतनी जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सिद्धार्थ जाह्नवी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर से कदमों की कुछ आहट सुनाई दी जो उसी के दरवाजे की तरफ आती हुई महसूस हो रही थी। तभी सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिद्धार्थ ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा और कहा, ये इतनी रात अचानक कौन आ गया? जब से सिद्धार्थ सुपर सीनियर बना था तब से हॉस्टल में वो अधिकतर अकेला ही रहता था। हॉस्टल के अधिकतर सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपने पर्सनल कामों में और अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने में बिजी हो गए थे। उसके फ्लोर पर एक दो लोग ही बचे थे, बाकी के सभी स्टूडेंट्स अपने करियर, इंटर्नशिप और अपने सपनों को आगे बढ़ाने में बिजी हो गए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला तो सामने उसे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उसके शरीर से एक बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। उसके लंबे काले बाल बादलों की तरह थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उन बड़ी बड़ी आंखों में सिद्धार्थ के लिए चिंता दिखाई दे रही थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर सिद्धार्थ की बोलती ही बंद हो गई। उसने अपनी आंखें झपकाकर उलाहना देते हुए कहा, तुम तो शायद मुझे याद ही नहीं करते, है ना? सिद्धार्थ वो तो अपने सामने खड़ी लड़की को बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। आमने सामने जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें जो देख रही थी वो सच था या नहीं। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ और मायूस महसूस कर रहा था तो जाह्नवी जादू की तरह उसके सामने आ जाएगी। कुछ देर पहले ही सिद्धार्थ ने सोचा था कि जाह्नवी उसके साथ कुछ देर बात कर ले तो उसे बहुत मोटिवेशन मिल सकती थी, और अब अगले ही पल जाह्नवी उसकी आंखों के सामने थी। इस वक्त सिद्धार्थ के दिल में खुशी का झरना बहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे। सिद्धार्थ को इस वक्त किसी और बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि रात के इस वक्त बॉयज हॉस्टल में जाह्नवी कैसे आई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन दोनों को यहाँ इस वक्त ऐसे देख सकता था। उसे तो बस इस वक्त जाह्नवी की आंखों में दिखने वाले गहरे प्यार की परवाह थी। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को सरप्राइज करने के लिए ही ये पूरा प्लान बनाया था।
और जैसा जानवी ने प्लान किया था वैसा ही हुआ। इस वक्त सिद्धार्थ की आंखों में हैरानी और खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जो जानवी के अचानक वहां आने से उसके दिल में खुशी पैदा हुई थी वो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ को ऐसे खोया हुआ देखकर जानवी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, बेवकूफ, अब क्या तुम मुझे यहीं खड़े रखोगे या फिर अंदर आने के लिए भी कहोगे? जानवी के ऐसे अचानक सामने आने की वजह से सिद्धार्थ का दिल और दिमाग ठिकाने पर ही नहीं था। उसे समझ में भी नहीं आया कि अचानक से वो क्या कहे। उसने जल्दी से हां में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर जानवी को कसकर गले लगा लिया। सिद्धार्थ के गले लगकर जानवी भी इस वक्त बहुत खुश थी। जानवी पहली बार सिद्धार्थ के हॉस्टल में आई थी। अभी इस वक्त कुछ कमरे खाली थे। सिद्धार्थ का कमरा भी खाली ही नजर आ रहा था। पूरे फ्लोर को ऐसे खाली देखकर जानवी ने पूछा, इस वक्त हॉस्टल में कोई भी नहीं है क्या? सब लोग कहां गए? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, सब लोग अपनी अपनी इंटर्नशिप, नौकरी, अपने सपनों के पीछे भागने में और उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। सभी अपनी अपनी दौड़ में भागने के लिए हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ ने जानवी की तरफ देखा और कहा, तुमने तो मुझे कहा था कि आजकल तुम अपनी शूटिंग में बहुत बिजी हो और म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारी में लगी हुई हो। तुम्हारे पास तो वक्त नहीं था ना? फिर तुम ऐसे अचानक मुंबई में कैसे प्रकट हो गई? तुम बताओ ना, तुमने क्या कहा था और तुमने क्या किया? तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुमने क्या प्लान कर रखा था? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए यहां आ गई। सिद्धार्थ ने जानवी को घूरते हुए देखा और कहा, अच्छा, सरप्राइज था? जानवी ने फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, भले ही मैं अपने करियर में कितनी भी बिजी हो जाऊं, लेकिन अगर मुझे पता चले कि तुम मुसीबत में हो तो मैं बिजी कैसे रह सकती हूं? मुझे तो तुम्हारे पास आना ही होगा ना। जानवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को एक पल के लिए झटका लगा। उसने अपने आप से कहा, क्या जानवी को भी ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के क्राइसिस के बारे में पता चल गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जानवी ऐसे अपना काम बीच में अधूरा छोड़कर देहरादून से वापस आ जाएगी। इस बारे में सोचते ही एक पल के लिए सिद्धार्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। जानवी अपने तरीके से सिद्धार्थ के सामने अपनी फीलिंग और सिद्धार्थ के लिए केयर दिखा रही थी। सिद्धार्थ को सोच में पड़ा देखकर जानवी ने पूछा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, फिर भी तुम क्या सोच रहे हो? सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा था? जानवी आखिर बॉयज हॉस्टल में कैसे आई? वो सच में सिद्धार्थ के लिए ही आई थी या बात कुछ और थी?